हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। देखिए, मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था, आज फिर वापस आया हूँ। और ये देखिए, मेरे 18 इंच के सीमेंट का पॉट है। 18 से बड़ा ही होगा, हमें लगता 20 इंच का होगा। और इसमें ये मेरा देखिए 10-12 साल पुराना सफ़ेद रंग का गुड़हल का पौधा है। और इसमें मैं हर साल इसकी हार्ड पोनिंग कर देता हूँ जो है। और फिर इसमें देखिए नए नए ब्रांच आते हैं। और देखिए बहुत सारे बग्स, हालांकि इसमें मिली बग लग गया था, काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद जो है मैं इसको जो है ठीक कर पाया हूँ। और अब इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सारी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से। और बग्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, देखिए डेली इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। फ्लावर देखिए कितना बढ़िया जो है इसका फ्लावर है, और बहुत ही बढ़िया देखिए बंच का बंच जो है फ्लावरिंग हो रही है देखिए। और बड़ा ही बढ़िया लगता है गुड़हल में जब फ्लावरिंग होती है। और सारे ब्रांच में देखिए बड्स भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे, देख सकते हैं सारे ब्रांच में बड्स हैं। और डेली बस गुड़हल का यही एक, चाहे उसे आप खराबी समझे चाहे अच्छा समझे, डेली का डेली फूल जो है वो ड्राई हो जाता है, ये दूसरे दिन फूल खिला नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जो है इसकी फ्लावरिंग हुई है चारों तरफ से, बहुत ही बढ़िया ढंग से फ्लावर हुआ है देख सकते हैं। देखिए और सारे तरफ बड्स भी आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से बड्स आ रहे हैं चारों तरफ से। और देखिए ये मैं आपको, ये देखिए हार्ड प्रूनिंग मैं कर देता हूँ सारे ब्रांच को, तो फिर नए नए ब्रांच आते हैं। ये लगभग 10 साल से ऊपर का ही मेरा पौधा होगा, तो इस तरीके से जो है बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग इसमें हो रही है चारों तरफ से। देखिए बहुत ही बढ़िया ढंग से फ्लावरिंग हो रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है देखिए। तो आप लोग भी अपने टेरेस पे इसे लगा सकते हैं। और गुड़हल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी डाल कहीं से भी आपको मिल जाए तो काट कर इसे आप बरसात में लगा दें तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है जो है, और बड़ा ही बढ़िया ढंग से। और नर्सरी में भी ये 40 से 50 रुपये में बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।